हिमाचल के सिराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरोवा में 15 वर्षों से वाहन योग्य सड़क शनिवार को दो गुटों की आपसी लड़ाई के कारण पत्थर फेंककर बंद कर दी गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी रविवार तक सड़क बहाल नहीं हो पाई, जिससे स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त है। सड़क के बंद होने से जहां आम लोगों की आवाजाही पूरी पूर्ण रूप से बाधित हुई है, वहीं दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। सरोवा से झोट नामक मनरेगा सड़क, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, को मुख्य द्वार सरोवा के पास बंद कर दिया गया है, जिस कारण ग्राम पंचायत आणा व सरोवा के दुर्गम गांव में बसे किसानों व पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अणा व झोट गांव से लगभग 400 लीटर दूध मिल्क फेडरेशन को सप्लाई किया जाता है। यह दूध लोगों के घर द्वार से मिल्क फेडरेशन की गाड़ी के माध्यम से उठाया जाता था, जो रविवार को सरोवा में दुग्ध उत्पादकों द्वारा अपनी पीठ में उठाकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सरोवा में पहुंचाया गया, जिस कारण दुग्ध उत्पादकों में पंचायत व जिला प्रशासन के प्रति भारी रोष व गुस्सा पनप रहा है। बालदासी जय देवी दुग्ध उत्पादक समृति आणा ने बताया कि सड़क को जानबूझकर बंद किया गया है, जिसे मिल्क फेडरेशन की गाड़ी पशुपालकों के घर द्वार नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि जी प्रणय, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और आपका तहे दिल से आपका स्वागत। आप लोग मेरी आवाज़, मेरी यहाँ सुरुआ की जनता की आवाज़ सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए, आपका तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी है। और समस्या ये है कि मनरेगा द्वारा 2007 से ये मनरेगा द्वारा जो काम किया गया, मनरेगा द्वारा जो रोड निकाला गया, तो इसमें लगभग मुझे लग रहा करीबन जो है 15 साल करीबन हो गए होने इसको रोड निकले हुए, सुचारू रूप से जो है चला हुआ। कोई आज की डेट में कोई हमें कोई किसी भी मेरी जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज हमें ये दिक्कत का सामना ये हुआ कि मैं कल जब कहीं मैं 2-3-4 दिन से बाहर गया था, हालांकि मुझे लोगों ने जो है सूचित किया गया कि यहाँ पर जो है डंगे को जो है डंगे की कटिंग की, रोड की निचले साइड वाले डंगे की जो है कटिंग की। फिर मैं मौके पे आया, मौके पे आने पर फिर मैंने जो है बेनिफिशियरी किशन चंद दयाराम को मैंने पूछा, सनफ दयाराम जी को मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये कटिंग जो है आपने क्यों की, कि वो जो कटिंग जो डंगा जो कटा वो मनरेगा द्वारा जो है लगाया गया था, उस मनरेगा द्वारा लगाए गए डंगे को मैंने पूछा भी कि इसको आपको जो है कटने की जरूरत नहीं थी, निकालने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने बोला भाई इसको आपको जो है सोल्यूशन करना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैं कहा कल दिन के लिए भारी बारिश जो रात को होती है, अगर कल दिन के लिए मिट्टी जो हमारी बिल्कुल ताज़ी है, अगर ताज़ी मिट्टी होने के बावजूद अगर नीचे को चल जाती है तो उसमें जिम्मेवार कौन हो सकता है, गाड़ी भी गिर सकती है और जो है गाड़ी क्रॉस भी नहीं हो सकती है। उसके बाद दूसरी पार्टी भी आई, उसने बोला जी ये तो रोड को जो है आगे जो है कवर कर रहा है और हमें नहीं पता है किसकी ज़मीन है, ऊपर वाले की ज़मीन है या नीचे वाले की ज़मीन है, हमें तो सिर्फ रोड से मतलब है। पीछे वाला भी आया, फिर पीछे वाले ने जो भी है अपनी रोड में जो है पत्थर रख दिए, उसने पत्थर रखने के हमने उसको भी पूछा भाई आप भी क्यों रख रहे हैं इस पत्थर को। हमने उनसे भी बात की, दोनों पार्टी से बात हमने की, ऊपर वाली पार्टी ने ये कहा कि जब ये नीचे वाला जो रोड की कटिंग कर सकता तो क्यों मैं भी नहीं दे सकता हूँ, जबकि मैंने जो है सारी ज़मीन जो है यहाँ से दी हुई है, मैं भी जब तक ये नीचे का जो है डंगा नहीं देता है तब तक जो है मैं ऊपर वाला पत्थर जो मैंने लगाए गए जो पत्थर उस ऊपर वाले जो बेनिफिशियरी मेघ सिंह है उसके द्वारा लगाए गए रखे गए पत्थर को मैं तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक नीचे वाला डंगा नहीं देता है। हमारी मैं हालांकि मैं अपने डेपुटेशन के हिसाब से जिलाधीश महोदय को भी इसका वो जो डेपुटेशन लेके जाऊंगा, मैं चाहता हूं उसके पहले हम जो है SDM गोहर के पास भी जाएंगे इस मसले को लेकर के। हमने कई बार जो है दोनों को बिठाने की कोशिश की, दोनों को हमने अपने ओर से हमने पंचायत ने जो है हमने पूरा प्रयास किया कि ये जो है इस मसले को यहीं हल किया, लेकिन हमने फिर कल प्रशासन को भी बोला, प्रशासन भी आया यहाँ पिछले कल, तो दोनों पार्टी में हमारे से बस से बाहर हुई तो रोड कोई भी खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब हम जिलाधीश महोदय और SDM के पास हम जाएंगे, डेपुटेशन को लेकर जाएंगे। आपको पता है कल दिन के लिए रात को ऐसी बरसात के मौसम में अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो जाती है 5-7 किलोमीटर दूर तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम तो जो है कुर्सी के ऊपर उठा करके मेरे कोई भी बीमार हो सकता है, ऐसे आगे जो है कितनी भारी बस्तियाँ हैं। इस बस्ती को लेकर हम इनसे दोनों से अपील करना चाहते थे कि इस रोड को सुचारू रूप से जो है खुला रखें, ताकि आज से पहले जो खुला था आज भी इसको खुला रखें। तो अब हमें नहीं पता है कि ये जो है इनका क्या है कारण है। हालांकि पीछे वाले ने ठीक कहा कि अगर जो नीचे वाला मनरेगा द्वारा जो डंगा लगाया गया था अगर इसको काट सकता तो मैं भी अपनी ज़मीन में पीछे जो है डंगा रख सकता हूँ, डंगा तो नहीं दिया उसमें पत्थर रखे गए हैं। अगर बोलता है अगर ये नीचे वाला उठा देता है तो मैं भी इसको देने के लिए तैयार हूँ और मैं जो है
कभी भी इसको जो रोड रोकने के हक में नहीं हूँ। एक बात पीछे वाले ने ये भी कही कि अगर नीचे वाला जो मैं जो है अपने विभाग की तरफ से आप हम सहमत है, हम डिमार्केशन करने के लिए पीछे वाले पार्टी में एक सिंह तैयार है, वो बोलता है कि आप डिमार्केशन करिए। जैसे भी डिमार्केशन करने के बाद हमारा जो बाउंड्री लाइन होता है, बाउंड्री लाइन होने के बाद हम जो है रोड चाहे हम ऊपर से दे देंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हम रोड कभी नहीं रोकते हैं। नीचे वाले से भी हमने बात की लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसलिए जनता परेशान है। ऐसे लंगड़े आपको देख रहे हैं, दूध वाले आ रहे हैं, ऐसे अपंग आ रही है, अगर कल दिन के बीमार हो जाते तो इनको क्या हम कंधे पे उठा करके ले आए। जब मनरेगा द्वारा जो है भारत सरकार का हमारा हिमाचल गवर्नमेंट का जो पैसा यूज हुआ है, तो क्या ये जो है इतने टाइम के बाद बंद करने के लिए रखा गया है? मेरी जो है सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अब हम आप लोगों के आभारी है। आप लोगों ने यहाँ सुरुआत की, जनता की आवाज़ सुनी, हम आपके भी माध्यम से जो आपके आभारी है कि प्रशासन भी सुने इस चीज़ को कि इस तरह की घटना ना घटे। जो मनरेगा के द्वारा जो निकाले गए रोड है, चाहे भले ही किसी का पैसा है, हमारा अपना ही पैसा है निकाला गया, उसको जो है हम सुलित के लिए जो है ये चीज़ करते हैं। आज जो चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे सुलित मिले, घर घर तक जो है रोड मिले, कौन ही चाहता है? अब ऐसा होता है कि जिस बंदे को जो है अपने आप जो है घर तक जो है यहाँ तक जो रोड मिली हुई है, वो क्या दूसरे आदमी को मूर्ख समझते हैं? उन आदमी को जो रोड की जरूरत नहीं है, पानी की जो वहाँ से आती है, वो क्या अगर पीछे से पानी बंद कर दें तो क्या दूसरे आदमी के लिए पानी देने के लिए मना कर देगा कि मैंने जो है पानी नहीं देना है? बिजली के लिए वो कोई पोल उखाड़ देता है, मैंने जो दूसरे आदमी के लिए बिजली नहीं देनी है? इसलिए मेरी गुजारिश है, जिलाधीश मोदी से भी हम कल मिलेंगे, डेपुटी से मिलूंगा, सबको लेकर के, तो इतनी मेरी करवट प्रार्थना है। तो इसको जो है जल्दी से जल्द प्रशासन आए और रोड को जो है सुचारू रूप से जो है खोला जाए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी क्या नाम है आपका? जी नेत्र सिंह जी। आप की दूध सोसाइटी का क्या नाम है? दी माँ काली महिला MPCS जौट। जौट जी। पंचायत कौन पड़ी? अन्ना। अन्ना जी, क्या समस्या है? ये समस्या हमारी है, हमारे दुधारुओं का जो है यहाँ आने जाने के लिए जो सड़क की सुविधा थी वो बंद कर दी गई है पिछले कल से। उन लोगों को जो है आने जाने के लिए बड़ा सामना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हमारे लोगों को जो है बीमारी समारियों के प्रति भी कई दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। तो हम चाहते हैं कि इस हमारे जो समस्या का हल जल्दी से जल्दी किया जाए और इस जो समस्या को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेकर के इसको खुलवाया जाए। कितना डिस्टेंस है अनाज? ये कोई 4-5 किलोमीटर का। ये और पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। कल से ये सड़क बंद हुई है और आज से लोग जो है पैदल सरोवा पे दूध जो है डॉम मतलब भेज रहे हैं। ठीक है जी, क्या नाम है? बालदास जी। सोसाइटी का नाम क्या है? जयदेव जुमरानी। आप क्या हैं इसमें? मैं हूँ दूध की प्रधान सर। प्रधान जी, क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, सरोवा में यहाँ रोड बंद की है हमारी और दूध पहुँचाना पड़ेगा हमारे को। सरोवा में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग है, हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है और हमारी रोड खुली किया जा सकती। बंद किसने किया है? बंद किया है यहाँ दो लोगों ने किया, सुबह वालों ने। आज से पहले दूध में गाड़ी में दूध जाता है, आज पैदल आना पड़ेगा हमारे को यहाँ। कितना टाइम लगता है? टाइम तो लगा, 1 घंटा लगता है। कल से बंद की है रोड सर। बंद क्यों की है इन्होंने सड़क की? बंद की है, अब पता नहीं क्या पता है सर क्यों की है बंद। आपने आगे भी कहीं पंचायत में कोई शिकायत की? क्या बोला पंचायत ने? पंचायत ने क्या बोला आपको? पंचायत क्या बोलती है? पंचायत ने बोला भाई ये दोनों का मामला है, भाई कर लो समझौता आपस में, फिर कर दो रोड खुली। ये मान नहीं रहे, एक लोगों पर आ रही है। हाँ जी ठीक है जी, क्या नाम है? बालकृष्ण। सोसाइटी का नाम क्या है? जयदेव जुमराड़ी। ये कहाँ पड़ा है? जुमराड़ी जोट से थोड़ा, जोट से थोड़ा आगे 5 किलोमीटर। पंचायत में ही है? नहीं, सरोवा। सरोवा पंचायत? आप सरोवा पंचायत में आते हैं? हाँ जी। क्या समस्या है जी? जी कल से हमारी रोड बंद हुई है और इतने दूध वाले जो 35 लोग हैं उनको आज दिक्कत का सामना करना पड़ा और पीठ में दूध 20-20 लीटर ले आना पड़ा और फिर इधर पहुँचाना पड़ा। कितने दिक्कत है? कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। इससे पहले दूध कैसे आता था शुरुआत? गाड़ी आती थी, गाड़ी हमारी हाँ जी मिल्क फैट की गाड़ी आती थी, अब वो नहीं आ रही है। कैसे आएगी यहाँ पत्थर डाले वो कैसे आएगा? कितना किलो दूध आता है रोज? 2 क्विंटल दूध होता है मेरी सोसाइटी में। आज से पहले कभी इस समस्या? आज से पहले तो नहीं आई समस्या? छोटी मोटी समस्या तो आती रही, फिर खुद आते थे, खुद करते रहते थे, अब ज्यादा इस समस्या आ गई। कितने के सालों से चल रही है सड़क? इसको 2004 से हुई है सड़क हमारी। 2004। कितने जो लोग हैं, कितने किसान लोग जो है दूध का कर रहे हैं इसमें? दूध काफी है, 35 आदमी है। क्या चाहते हैं आप? हमें रोड चाहिए, हमें कुछ रोड चाहिए हमारे चालू। ठीक है।